दोस्तों, यदि आप फेसबुक बना चुके हैं और आप चाहते हैं कि डीएक्टिवेट ना करके परमानेंट यानी हमेशा के लिए फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखते रहिए इस वीडियो को। फेसबुक ऐप या फेसबुक को अपने ब्राउज़र पे ओपन कीजिए, कंप्यूटर या मोबाइल पे। फिर मेन्यू में जाइए। मेन्यू में जाने के बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाके फिर सेटिंग में क्लिक करना है और फिर आपको नीचे जाना है। नीचे जाना है और यहाँ पे लिखा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब लिखा है यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर दो ऑप्शन दे रहे हैं अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए। आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं, बाद में आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। और डिलीट अकाउंट हमेशा के लिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट यू विल एबल टू रिट्राइव द कंटेंट और द इन्फॉर्मेशन यू हैव द शेयर ऑन फेसबुक। योर मैसेंजर विल ऑल ऑफ योर मैसेज विल आल्सो बी डिलीटेड। समझ चुके होंगे कि एक बार डिलीट करने के बाद सभी मैसेज, फेसबुक जो भी हो, फोटो, कमेंट सब डिलीट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बैकअप बनाने के लिए दे रहा है। पहले तो परमानेंट डिलीट के बारे में बता रहा है ऊपर, फिर लिखा है बिफोर यू डिलीट। डिलीट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। डिलीट नहीं करना है तो यदि आप डिलीट कर रहे हैं तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपको क्या करना होगा, यू हैव द 767 फ़ोटो हैं मैंने अपलोड किया हुआ, 114 यानी कि 1400 करीबन पोस्ट शेयर किए गए हैं फेसबुक पे। अब यहाँ पे लिखा एडिट पेज एडमिन सेटिंग, यानी कि आप फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहे हैं और आपने जो पेज बनाया है वो किसी और को हैंड ओवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। बस इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए। इतने से वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।